बार का कुछ मंगा है क्या, थोड़ा डिटेल हो जाए। परसों रात को, दैट इज 30 मई रात को हमको गोपनीय माहिती जो है मिली थी कि उमरेड में एक रिसोर्ट में अश्लील नृत्य यानी डांस का जो है प्रोग्राम वगैरह चालू है करके ऐसा हमको गोपनीय माहिती मिला था। उसके ऊपर में एलसीबी की टीम अलोंग विद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन्होंने जाके वहाँ पे रेड किया, तो कुल मिला के 6 महिलाएँ और 12 पुरुष जो है वहाँ पे पाए गए थे, जो कि ऑब्सीन डांस वगैरह उसमें काउंट होता है। तो उसी हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई करके फिर संबंधित गुनेह वगैरह दाखिल किए हैं। अब जो पीड़ित महिलाएं हैं 6 हैं, तो उनका हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें से एक आधा कोई अगर माइनर है क्या, वो भी हम वेरिफिकेशन चालू है। और जो बाकी के 12 आरोपी जो वहाँ पे निष्पन्न हुए हैं उनका भी एंटीसीडेंट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही रिसोर्ट में ऐसे नृत्य प्रदर्शन जो है काफ़ी खंडनीय हैं, तो हम बाकी रिसोर्ट के ऊपर में भी ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उनके ऊपर में भी कार्रवाई करेंगे। और मेरे एसपी होने के नाते वही विनंती रहेगा सारे रिसोर्ट ओनर या मैनेजर उनको कि आपके आपके रिसोर्ट में ऐसे अवैध तरीके से अगर कोई प्रोग्राम ऐसे कंडक्ट हो रहे हैं तो ये खंडनीय है एंड पुलिस विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। सर, एक पार्टी में आरोपी जो है अभी पकड़े, इसमें कुछ 18 जोड़ कर भी कुछ आरोपी, यस, काफ़ी लोग निष्पन्न हुए हैं। हम उसमें से उनके डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं, उनके एंटीसीडेंट्स एंड उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आरोपी के पीछे अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली उसके तहत में हम उनके ऊपर में भी कार्रवाई करेंगे आगे चल के। टोटल अभी तक तो 17 आरोपी बनाए हैं हमने, जिसमें से 12 जो पुरुष थे वो डांस में वहाँ पे उस प्रोग्राम के हॉल में उपस्थित थे, बाकी के जो है वो रिसोर्ट के मैनेजमेंट को मिला के हमने 17 ऐसे आरोपी बनाए हैं। सर, ये रिसोर्ट किसका था? रिसोर्ट अभी एक बार वेरीफाई कर रहे हैं कि किसके नाम पे ये रिसोर्ट चल रहा था एंड मैनेजर कौन है वगैरह वगैरह, बाकी के डिटेल्स भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर,